Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 10, date 28 October 2020. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर नाउंस एंड प्लूरल नाउंस. सिंगुलर नाउंस क्या होते हैं, प्लूरल नाउंस क्या होते हैं, हम वो जानेंगे आज वर्कशीट में और उससे पर्टेनिंग उससे संबंधित एक्सरसाइज भी करेंगे. जैसे कि आपको पता है नाउन का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. जब नाउन को हम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, उसको हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है, यानी सिंगल नाउन होता है, वो सिंगुलर नाउन होता है. तो उसमें सिर्फ हम एक, ओनली वन पर्सन की, प्लेस की या थिंग की बात करते हैं या एनिमल की बात करते हैं, ठीक है बेटा. और लेकिन जब हम प्लूरल नाउन पे जाते हैं तो हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, मोर देन वन की बात करते हैं, प्लेस की, पर्सन और थिंग की. अब आपको समझना होगा, जब हम यहाँ पे कहते हैं सिंगल, सिंगल का मतलब होता है एक, वन, ठीक है. जो चीज़ वन होती है बेटा, उसके अंदर हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम क्या करते हैं उसके लिए. जब ये देखो यहाँ पे लिखा है वन कैट मियोड ऑल नाइट, मतलब एक बिल्ली सारी रात म्याऊं म्याऊं करती रही. जब कहा ना इसने वन कैट, तो हमने लिखा एक के आगे लिखा कैट, हमने लिखा कैट, ठीक है. लेकिन जब हमने इसको प्लूरल बनाना था, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बनाना था, तो हमने क्या किया बेटा, हमने किया ये कि जब हमने कहा एग्जांपल देखो, थ्री कैट्स मियोड ऑल नाइट. जब कैट थ्री हो गई, नंबर उसका वन से थ्री हो गया, तो क्या हुआ, जो कैट्स, कैट थी उसका हमने क्या डिफरेंस कर दिया, उसके अंदर एस लगा दिया, कैट्स बना दिया. अब जब सिंगल होता है उसका मतलब होता है वन, और प्लूरल होता है उसका मतलब होता है मोर देन वन. तो इसमें हमने एग्जांपल में समझा कि जब सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पे एस नहीं लगता, वहाँ पे सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग को हम लिखते हैं. लेकिन जैसे ही हम प्लूरल बनाते हैं हम उसके साथ एस लगा देते हैं. लेकिन क्या सिर्फ हमेशा एस ही लगता है हमें अगर प्लूरल बनाना हो, तो इसी को हम आज पढ़ेंगे. लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर वन में वो कहते हैं यूजुअली नाउंस आर नेम्ड मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड. जैसे टेबल का हो गया फाइव टेबल्स, ठीक है. इसमें जो हमने कैट के साथ किया था, उन्होंने टेबल के साथ करके बताया कि अगर एक टेबल है तो टेबल लिखा हमने, और जब हमने उसे प्लूरल या बहुवचन में बनाया तो हमने उसे टेबल्स कर दिया, एस लगा दिया, ठीक है. अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर वन देखना है. क्वेश्चन नंबर वन में वो कहते हैं स्पून है तो क्या हो जाएगा, इसके आगे एस लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पून्स. बेटा यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस पी ओ ओ एन एस, स्पून्स, ठीक है. ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर, हो जाएगा स्पून्स, स्पून्स, एस लगा देंगे हम. फिर सेकंड देखो बेटा, फोन लिखा है, इसमें हो जाएगा फोन्स, पी एच ओ एन ई, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, उसके साथ हमने सिर्फ ऐड कर दिया एस को, ठीक है, फोन्स हो गया. अब जैसे लिखा है ज़ेब्रा, तो हम लिखेंगे ज़ेब्रास, जेड ई बी आर ए एस, ज़ेब्रास. फिर फोर्थ देखो लिखा है डॉग, तो हमारा हो जाएगा डॉग्स, डी ओ जी एस, डॉग्स, ठीक है. यहाँ पे डॉग लिखा है ना, हमने डॉग्स कर दिया, एस लगा दिया. फिर उसके बाद देखो फिफ्थ पे आओ बेटा, फिफ्थ में लिखा है टीचर, तो हम फिफ्थ का करेंगे, लिखेंगे टीचर्स, टी ई ए सी एच ई आर एस, एस लगाते ही वो प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. अब सिक्स देखो, फ्रेंड लिखा है ना, तो हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ आर आई
ई एन डी एस, सिर्फ हमें एस जोड़ना है लास्ट में। सेवन में हैट लिखा है, इसका हो जाएगा हैट्स, एच ए टी एस हैट्स। एट में लैम्प लिखा है, ये हो जाएगा लैम्प्स, एल ए एम पी एस लैम्प्स। अब देखो नाइन्थ में लिखा है स्टोर, ठीक है। अब हम नाइन्थ में लिखेंगे स्टोर्स, हमने लिखा एस टी ओ आर ई स्टोर, तो वैसे का वैसे लिख दिया और एस लगा दिया, स्टोर्स हो गया, ये प्रूरल बन गया, सिंगुलर से प्रूरल में कन्वर्ट हो गया। प्लांट है तो प्लांट पूरा लिख के पी एल एन टी प्लांट लिख के, जब तक प्लांट रहेगा तो वन रहेगा, एस लगा दिया तो प्रूरल हो गया बेटा, सिंगुलर से प्रूरल हो गया। अब देखो हम नीचे आते हैं कि एस लगाने के अलावा भी क्या हम कुछ और ऐड कर सकते हैं अगर हमारे को उसे प्रूरल फॉर्म में करना होगा, सिंगुलर को प्रूरल में। तो देखो जो रेगुलर नाउंस होते हैं उनके साथ तो हम एस लगा देते हैं, जैसे हमने अभी किया था, कार का कार्स कर दिया, डॉग का डॉग्स कर दिया, बुक का बुक्स कर दिया, हाउस का हाउसेस कर दिया और एप्पल का एप्पल्स कर दिया, ठीक है। ये तो हमने तब किया जब हमने सिंपली एस ऐड किया था। कई बार क्या होता है जो हमारा वर्ड होता है यानी नाउन जो है हमारा, उसके पीछे या तो एस आता है या सी एच आता है या एच एस आता है, एक्स आता है या जेड आता है, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ई एस। हम एस की जगह ई एस लगाते हैं। देखो जैसे लिखा है ना बस, हमने बस को ऐसे ही लिखा, सिंगुलर ही रहने दिया और उसके साथ ई एस लगा दिया, क्योंकि सिर्फ एस लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एस ही है, एस के आगे कैसे एस लगाएंगे, तो एस के आगे ई एस लगाते हैं और ये बसेस बन जाता है। ऐसे मैच है, मैच के आगे ई एस लगाते हैं, मैचेस हो जाता है। डिश है, देखो आपको याद रखनी है एक बात, एस एच सी एच एच एस एक्स और जेड, इनके साथ जब ये लास्ट में होता है ना, देखो बच्चों सबके लास्ट में लिखा हुआ है ना ये, तो ये इनके साथ लगता है ई एस, हम ई एस ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारा डिश का डिशेज हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, क्विज का क्विजेज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जब हमारे एंड जो होता है वो एफ से हो, अगर हमारा वर्ड जो है नाउन जो है उसके स्पेलिंग में एफ आ रहा है तब तक तो वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर हमें उसे प्लूरल बनाना है तो हम एफ को हटा देंगे या एफ ई को हटा देंगे, उसकी जगह वी ई एस लिखते हैं, वी ई एस को ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको मैं बड़ा करती हूँ, देखो बच्चों इसके अंदर आपने वी ई एस जो है वो ऐड कर दिया, तो आपका ये बन गया, क्या बना, लीफ का बन गया लीव्स, वुल्फ का बन गया वुल्फ्स, लाइफ का बन गया, एफ हटा दिया ना हमने, एफ और ई हटा दिया तो लाइव्स बन गया, नाइफ में भी एफ और ई हटा दिया तो नाइफ्स बन गया, वी ई एस लगा दिया हमने उसके आगे, ठीक है, तो नाइफ्स बन गया। इसी तरीके से देखो एक और हमारा इसके अंदर है प्रिंसिपल, वो क्या है कि जब अगर हमारा वोवल हो और वाई लगा हो, वाई लगा हो, डे है, वाई लगा है, हटाओ इसे और एस लगा दो उसके साथ, ठीक है। की है तो कीज़ लगा दो। अब आप कह रहे हो मैम वोवल कहाँ पे है, देखो जहाँ पे लिखा है डे, हमें पता है वोवल क्या होता है, वी ओ डब्ल्यू ई एल, वोवल कौन से होते हैं बेटा, ए ई आई ओ और यू, ये वोवल होते हैं ना। अब ध्यान से देखो, डे में ए लिखा है फिर उसके बाद वाई लगा है, की में ई लिखा है फिर उसके बाद लगा है, फिर बॉय में ओ लगा है उसके बाद लगा है, फिर गाय में यू लिखा है उसके बाद है, डोंकी में ई लगा है फिर उसके बाद वाई लगा है। तो जिनके आगे पहले वोवल हो और बाद में वाई लगता हो तो उसके साथ हम एस फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अब वोवल है प्लस ओ लिखा हुआ है, जैसे जू, जैसे रेडियो आई आ गया ना, इसमें ई आ गया, स्टीरियो, वीडियो में ई आ गया और कंगारू में डबल ओ आ गया ना, तो जब इनके एंडिंग जो है वो वोवल से होती है और ओ जुड़ा होता है तब उसके साथ एस लगाते हैं। तो यानी
हम जो रेगुलर नाउन्स हैं उनके साथ एस कब कब लगाते हैं? जब वो रेगुलर नाउन हो, जब उनमें वोवल हो और बाद में वाई लगा हो, जब वोवल हो प्लस उसके अंदर लास्ट में ओ लगा हो, तब उस केस में हम एस लगाते हैं बच्चों। अब ई एस कब लगाते हैं हम, या आई ई एस कब लगाते हैं हम? अब ये सेकंड वाला देखेंगे। देखो, जब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बेटा, जो अभी वोवल्स बताए थे उनके अलावा अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं हमारी इसमें इंग्लिश में ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, सिवाय ए ई आई ओ यू के। तो अब अगर लास्ट में उनके वाई लगा हो, क्योंकि हम वाई का केस पढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो y के अंदर अगर जैसे t लिखा है, t के बाद y है, b के बाद y है, r के बाद y है, t के बाद y है, r के बाद y है, जैसे सिटी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, y हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। अब बेबी में देखो, बाई बेबी में y हटा दिया, आई ई एस लगा दिया, स्टोरी में y हटा दिया, आई ई एस लगा दिया, पार्टीज़ में भी y हटा दिया, आई ई एस, कंट्रीज़ में भी y हटा दिया, आई ई एस लगा दिया। अब कुछ होते हैं इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब्स जब पढ़ाया है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैन जो होता है वो मैन में कन्वर्ट होता है, ए की जगह ई लग जाता है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है तो वो चिल्ड्रन बन जाता है, फुट है तो फीट बन जाता है, टूथ है तो टीथ बन जाता है, माउस है तो माइस बन जाता है, और पर्सन है तो पीपल बन जाता है। जब एक पर्सन की बात करें, सिंगल पर्सन की बात करें तो वो पर्सन है, और जब ढेर सारे हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, तो वो पीपल हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा। अब देखो, हमने ये वाला केस कर दिया था कि वोवल के बाद ओ लगा हो तो क्या होता है, एस कब लगाते हैं। अब है, मान लो कॉन्सोनेंट है, ये हमने केसेस पढ़े थे जब वोवल्स थे, अब हम जो केसेस पढ़ रहे हैं वो कॉन्सोनेंट्स के पढ़ रहे हैं। जब कॉन्सोनेंट के साथ ओ लगता है तो ई एस लग जाता है, ऐड हो जाता है एंड में, ओ हट जाता है, ओ के साथ ई एस भी लग जाता है, तो क्या होता है, हीरो का हीरोज बन जाता है, ईको का ईकोज बन जाता है, टोमेटो का टोमेटोज बन जाता है, पोटैटो का पोटैटोज बन जाता है। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट क्या है, नो चेंज। कब ऐसा होता है कि हमें चाहे सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें वो दोनों ही सेम ही रहते हैं ना, हम उसमें ई एस लगते हैं, ना आई एस लगाते हैं, ना एस लगाते हैं, ना वी ई एस लगाते हैं, और कोई इरेगुलर वर्ड भी, नाउन भी नहीं लगाते हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे शीप है, एक शीप होगी तो भी हम शीप कहेंगे, और ढेर सारी शीप होंगी तो भी हम शीप ही कहेंगे। डियर है तो एक डियर होगा तो एक डियर को भी डियर कहेंगे, और ढेर सारे होंगे तो भी डियर्स। फिश में भी फिश में भी ऐसे होता है, सीरीज में भी ऐसे होता है, स्पीसीज में भी ऐसा होता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब चलो हम थर्ड पे आते हैं। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको चलो हम रिवाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड एस टू द प्लूरल हम बना देते हैं, प्लूरल ऐड कर देते हैं, जो रेगुलर हमारा नाउन होता है उसमें हम प्लूरल ऐड करते हैं। अब जैसे ये स्कूप लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें प्लूरल बनाना है तो स्कूप्स हो जाएगा, एस सी डबल ओ पी एस, स्कूप्स हो जाएगा बच्चों। फिर है, इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ आई जेड एट द एंड ऑफ ई एस, जैसे डिश, एस एच लगा है ना, जैसे वहाँ पे हमने फर्स्ट केस किया था बच्चों, देखो ये वाला फर्स्ट केस किया था ना जब हमने एस एच लगाया था, ये देखो एस एच लगाया था ना, तो जब इश की आवाज़ आती है, आई की आवाज़ आती है तो उसके आगे लग जाता है ई एस, तो डिशेज हो जाएगा ये। ठीक है, डी आई आप लिखोगे इसका हो जाएगा डी आई एस एच ई एस, डिशेज हो जाएगा, प्लूरल बना दिया हमने। इफ़ द वर्ड इज इन्फ और इफ़ ई एफ रिमूव एफ एंड ई एफ, और हम वर्ब के साथ जो है वी ई एस लगा देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा। सेम चीज़ हम यहाँ कहते हैं कि साउंड के बेसिस पे जब हम देखते हैं इन्फ लिखा है या एफ लिखा है, जैसे एफ आया ना या इफ आया, तो हमने उसके साथ वी ई एस लगा दिया, तो यहाँ पे होगा, हम इसमें क्या करेंगे बेटा, अब इसका आंसर क्या होगा, जब हमें लोफ का लिखना है तो हम इसको लिखेंगे एल ओ ए वी ई एस, लोव्स, इसका प्रूरल, लोफ का प्रूरल क्या हो जाएगा बेटा, लोव्स हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, इफ द वर्ड एंड विद वोवल और वाई, ये वाला केस है ना हमारा जो हमने ये पढ़ा था बेटा, अगर वोवल है और वाई है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एस, जैसे डे का हमने बना दिया डेज, डी ए वाई एस डेज, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वाई को कॉन्सोनेंट है, ये वाला केस देखो कॉन्सोनेंट है और वाई है, तो हम क्या करते हैं वाई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और आई एस लिखा देते हैं, तो चेरी का क्या होगा बेटा, चेरीज, सी एच ई आर आर आई ई एस, चेरीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका आंसर हो गया चेरीज। अब है इररेगुलर प्लूरल, डोंट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न, जैसे चाइल्ड का हमने करा था, क्या बनाया था, चिल्ड्रन बनाया था ना बेटा, सी एच ए आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो, इफ़ द वर्ड एंड्स इन वोवल, हमारा ये वाला केस था ना वोवल और ओ के साथ ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करते थे एस ऐड कर देते थे, जैसे पिस्टैचियो, पिस्टैचियो का क्या हो जाएगा, पिस्टैशियोज, पी आई एस टी ए सी एच आई ओ एस, पिस्टैचियोज। आपने वो देखा है जो ग्रीन कलर का होता है जिसको हम कहते हैं ठीक है बेटा, पिस्टैचियोस का मतलब होता है पिस्ता, पिस्ता बादाम खाते हैं ना, पिस्ता वो कहते हैं पिस्टैचियोस। अब नेक्स्ट हम करते हैं बेटा वो है इफ द वर्ड एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस ओ और ई एस लगता है उसके साथ, तो जीरोज हो जाएगा। ये जो हमने ये वाला केस किया था ना बेटा, वही वाला केस यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा, ये तो हो गया सिंगुलर और जीरोस, जेड ई आर ओ ई एस, ये हो जाएगा जीरोस, ये हो गया प्लूरल फॉर्म, नो चेंज, जो कोई चेंज नहीं होगा, आइस का लेके क्या रहेगा, आइस ही रहेगा, ई आई सी ई आइस, ठीक है। तो बेटा ये आज हमने सीखा कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं और क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या हमने वो पढ़ा सब कुछ, क्या ऐसे करना होता है सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, आज हमने वो पढ़ा।